दोस्तों जय हिंद मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एन और इग्नू से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं आज उसी सिलसिले में एन के सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि एन ने बहुत पहले एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था कि वे अपने सिलेबस को बाइफर्केट कर रहे हैं ताकि छात्रों के ऊपर से सिलेबस के दबाव को कम किया जा सके उस सिलसिले में उन्होंने अपने सिलेबस का एक पीडीएफ पहले डाला था और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया था और विड्रॉ करने की वजह यह थी कि हो सकता है कि वो अपने सिलेबस में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अब जो नया अपडेटेड पी है आपके सामने उन्होंने वेबसाइट पर ला दिया उसी को लेकर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जो कुछ भी कंटेंट बना रहा हूं एन के वेबसाइट पर अवेलेबल जो भी सूचनाएं हैं जो भी पीडीएफ डी है उनके आधार पर मेरे बोलने या समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनवस के वेबसाइट पर जो सूचनाएं है, उपलब्ध हैं वही सर्वमान्य हैं आप उसी को माने तो मैं आता हूं देखिए एनवस ने अपने सिलेबस को जिस प्रकार से बाईफर्केट किया है ये क्या किया है इन्होंने अपने पूरे सिलेबस को फोर्टी परसेंट में डाल दिया और सिक्सटी पब्लिक एग्जामिनेशन में डाल दिया है इसके पहले पहले जब उन्होंने एक पीडीएफ डाला था उसमें जो पब्लिक एग्जामिनेशन का जो दो हिस्सा है को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अलग अलग किया था यहाँ पे पूरे चीज़ को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरे पब्लिक एग्जामिनेशन में एक साथ कर दिया गया अर्थात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अलग से चैप्टर नहीं बताए गए हैं लेकिन आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और ढेर सारे प्रश्न रहेंगे जब हम आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम तमाम चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे हम आते हैं सीनियर सेकेंडरी का मैथमेटिक्स का पेपर जिसका कोड 311 है यह सिलेबस उन छात्रों के लिए अपीयर अप्लीकेबल है जो छात्र 2024 मार्च अप्रैल में अपियर होने जा रहे हैं तो मैं सीधे आपको सिलेबस पर ले चलता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपने सिलेबस को टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन के सिलेबस को दो हिस्से में कर दिया टीएमए में 40 परसेंट जैसा कि आप देख रहे हैं और पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में आपके सिलेबस का सिक्सटी परसेंट रहेगा टी में जो टोटल लेसन से सब मिला के देखिए यहाँ पे टोटल लेसन 38 है टोटल लेसन का 15 लेसन जो है टी में है और 23 थ्री लेसन जो है पब्लिक एग्जामिनेशन में एक एक लेसन्स को मैं आराम से आपको दिखा दे रहा हूँ आप इसको आराम से देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप इसको देख सकते हैं देखिए तो पूरे जो ना के चैप्टर्स होते हैं उसमें वो मॉड्यूल वाइज अर्थात एक एक मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स होते हैं तो पूरा उनका जो बुक है मॉड्यूल वाइज रहता है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मॉड्यूल वन में देखिए सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस से जो मॉड्यूल वन है उसमें पाँच चैप्टर्स हैं अर्थात सेट्स से रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा पार्ट है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ पे ट्राइंगल अर्थात मॉड्यूल वन के ये पांच चैप्टर्स हैं जो कि टीएमए के लिए अप्लीकेबल है अब आप मैं चला जाता हूं मॉड्यूल टू मॉड्यूल टू सीक्वेंस एंड सीरीज इसको आराम से देखिए सिक्वेंस एंड सीरीज में जो लेसन सिक्स है उसके बाद सम स्पेशल सीक्वेंसेस लेसन सेवन है उसके बाद मॉड्यूल थ्री अल्जेब्रा वन अर्थात अल्जेब्रा को उन्होंने हो सकता वन टू दो हिस्से में बांटा हो तो इसमें लेसन एट कॉम्प्लेक्स नंबर लेसन नाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप देखते जाइए ये सब टीएमए के लिए अप्लीकेबल है मॉड्यूल फोर का कोई भी चैप्टर टीएमए में अप्लीकेबल नहीं है ये जो चैप्टर्स आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे मैं उसको लेकर आगे आपको बताऊंगा अब मॉड्यूल फाइव में आ जाते हैं मॉड्यूल फाइव में अगर देखा जाए तो इसमें लेसन सेवनटीन जो कि मॉड्यूल फाइव जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है इसमें लेसन सेवनटीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लेसन एटीन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स लेसन नाइन्टीन प्रोबेबिलिटी तो ये टीएमए के लेसन से मॉड्यूल सिक्स ये इसके जो चैप्टर्स हैं जो कि एजब्रा इसका दो पार्ट किया गया है एजब्रा का सेकेंड पार्ट जो है जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा मॉड्यूल सेवन भी पब्लिक एग्जामिनेशन में का हिस्सा है और मॉड्यूल एट वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में मॉड्यूल नाइन वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में मॉड्यूल टेन के भी जो चैप्टर्स हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पब्लिक एग्जामिनेशन में आपके सिलेबस का 60% परसेंट कॉन्टेंट कैरी करता है तो मॉडल वन से कोई भी चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं है मॉडल टू से कोई भी चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं है मॉडल थ्री से भी कोई चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं है अब मॉड्यूल फोर देखिए मॉड्यूल फोर के जो जो लेस हैं अर्थात लेसन थर्टीन कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, लेसन फोर्टीन स्टेट लाइंस, लेसन फिफ्टीन सर्कल्स लेसन सिक्सटीन कॉनिक सेक्शंस तो ये जो चैप्टर्स हैं ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे आपको इसको अच्छी तरह से करना है उसके बाद मॉड्यूल फाइव से कोई भी लेसन पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है अब मॉड्यूल सिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं इसमें लेसन ट्वेंटी मैट्रिसेस, लेसन ट्वेंटी वन डिटर्मिनेंस और लेसन ट्वेंटी टू इन भर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स अप्लीकेशंस मॉड्यूल सेवन रिलेशन एंड फंक्शंस के जो चैप्टर्स हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं इसमें लेसन ट्वेंटी थ्री रिलेशन एंड फंक्शन लेसन ट्वेंटी फोर इन भर्स ट्रिग्नोमेट्रीज और उसके बाद मॉड्यूल मॉड्युलट जो है मॉड्यूल एट के जो लेसन हैं कैलकुलस ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं अर्थात लेसन ट्वेंटी फाइव लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी लेसन ट्वेंटी सिक्स डिफ्रेंशिएशन लेसन ट्वेंटी सेवन डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेसन ट्वेंटी एट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनशियन एंड लॉग्रिजम फंक्शन लेसन ट्वेंटी नाइन अप्लीकेशन ऑफ डिवेटिव लेसन थर्टी इंटीग्रेशन लेसन थर्टी वन डिफिनिट इंट्रीगल्स इंट्रीगल्स और लेसन थर्टी टू डिफ्रेंशियल इक्वेशन ये हैं इसके बाद लेसन सॉरी मॉड्यूल नाइन जो है मॉड्यूल नाइन के जो वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जोमेट्री है उसके जो लेसन्स हैं अर्थात लेसन थर्टी थ्री इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लेसन थर्टी फोर लेसन थर्टी फाइव प्लेन लेटन लेसन थर्टी सिक्स लाइन उसके बाद मॉड्यूल टेन लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग ये जो है इसके लेसन थर्टी सेवन लीनियर प्रोग्रामिंग लेसन थर्टी एट रीजनिंग तो ये तमाम जो चैप्टर्स हैं आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में जो हैं तो मैंने आपको पूरा जो मैथमेटिक्स का जो लेटेस्ट सिलेबस है जो कि 2024 मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल एग्जाम में जिस सिलेबस के बेस पर आपके प्रश्न पत्र आएंगे उसका वीडियो आपके सामने रख दिया मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और आइकन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद